हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सत्यम। फिर से एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है क्यूब टेज पे, जिसपे कि मैं क्यूब से रिलेटेड वीडियो लाता हूँ और लाता रहूँगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको सबसे मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज हम सीखेंगे कि क्यूब का फर्स्ट लेयर को हम कैसे सॉल्व करें। अगर आपको क्यूब का फर्स्ट लेयर सॉल्व करना नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए, तब आप सीख जाइएगा कि क्यूब का फर्स्ट लेयर कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए, तो क्यूब क्यूब को सॉल्व करने से पहले मैं उसका पहले बेसिक नोटेशन आपको बता देता हूँ। हमारे राइट साइड जो होता है उसे हम आर से शो करते हैं, हमारा लेफ्ट साइड जो होता है उसे हम एल से शो करते हैं, हमारा अपर में जो होता है उसे हम यू से वो शो करते हैं, हमारा डाउन में जो होता है उसे हम डी से कहते हैं, हमारे फ्रंट में जो होता है उसे एफ से कहते हैं, और हमारे बैक में जो होता है उसे हम बी से कहते हैं, और हमारे मिडिल में जो होता है उसे एम से कहते हैं। जैसे कि ये दोनों के बीच में जो ये मिडिल पीस है, इसे हम एम से शो करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, हमारा राइट लेयर में हमारा राइट लेयर कौन सा का, हम जिस साइड हम अपना राइट हैंड से पकड़े हुए होंगे, उस वो हमारा राइट लेयर होगा। जैसे कि मेरा राइट लेयर ये है और लेफ्ट लेयर ये है, और अपर लेयर बिल्कुल ये पूरा पूरा अपर लेयर है ये, और डाउन लेयर ये है, सबसे नीचे जो होता है वो डाउन लेयर है। हमारे फ्रंट में जो है, जैसे कि ये मेरा ब्लू कलर मेरा फ्रंट है, इसलिए ये मेरा फ्रंट लेयर है। हमारे बैक में जो है ग्रीन कलर, वो हमारा बैक लेयर है। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यूब का फर्स्ट लेयर कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपने अभी तक सीखा नहीं है, तो इस वीडियो को देखते ही आप सीख जाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपको फर्स्ट लेयर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उसके ऊपर प्लस बनाना पड़ता है। अगर अब तक आप लोगों ने प्लस बनाने के लिए नहीं सीखा है, तो मेरा वीडियो जाके देख लीजिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप मेरे आई बटन पे जाके देख सकते हैं मेरा प्लस कैसे बनाया जाता है रूबिक क्यूब के ऊपर। तो चलिए, आज मैं तो आपको बताऊंगा रूबिक क्यूब के ऊपर प्लस कैसे बनाते हैं और फर्स्ट लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्लस बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि आप कौन सा लेयर सॉल्व करने हैं। आप मान के लीजिए, मैं ये येलो येलो का लेयर सॉल्व करना चाहता हूँ। फर्स्ट लेयर मैं येलो लेना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे येलो का मिड पॉइंट को अपर लेयर पे रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं येलो का मिड पॉइंट को मैं अपर लेयर पे रखा हुआ हूँ, ये हमारा अपर लेयर है, उस पर सबसे पहले हमें प्लस बनाना पड़ेगा। याद रखिए, आप उसको जिस पे आप प्लस बनाएंगे उसको सबसे आपको अपर लेयर में ही रखना है, उसको डाउन लेयर या राइट लेयर या लेफ्ट लेयर में कभी नहीं रखना है। तो मैं सबसे पहले इसे अपर लेयर में रख लिया हूँ, सबसे पहले मैं इस पर प्लस बनाऊँगा। सबसे पहले मैं प्लस बना लेता हूँ। मैंने प्लस जैसे कि बना लिया है, जैसे कि देखिए मेरा अपर लेयर पे प्लस बन गया है। तो चलिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका कॉर्नर को हम कैसे सॉल्व करें, जो कि ये हमारा कॉर्नर पीस होता है, इसे हम सॉल्व किस प्रकार करें। तो चलिए, आज मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व करने का तरीका। सबसे तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कॉर्नर पीस सॉल्व करने के लिए कि मिड पॉइंट से सबको कि वो किन किन कलर से बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं, जिस कॉर्नर पे इसको आप सॉल्व कीजिएगा, उसका मिड पॉइंट सबको पहले मिलाइएगा। जैसे कि मैं इस कॉर्नर को सॉल्व करना चाहता हूँ, तो इसका मिड पॉइंट में आप देखिए कौन कौन है, ये येलो है, ग्रीन है और रेड है। तो हमारा तीन कलर का ये कॉर्नर पीस मिलेगा यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं मेरा ऊपर में ही है बिल्कुल इस तरह। यहाँ येलो है, यहाँ ग्रीन है और यहाँ रेड है, जो कि इसी स्थान पर लगेगा, लेकिन ये अपने स्थान से फ्लिप है। तो चलिए, मैं इसे इसके अपने स्थान पे लगाता हूँ। कैसे लगेगा, तो आप एक बार इस एल्गोरिदम को पहले देख लीजिए, जो कि क्यूब का कॉर्नर सॉल्व करने में मदद करता है, और इसका नाम RDRD भी होता है। तो चलिए, आपको मैं बताऊँ कि ये कैसे रहता है। सबसे पहले मैं उस लेयर जहाँ पे मुझे उस कॉर्नर को फिट करना, सबसे पहले मैं वहाँ पर उसको लेके चला जाऊँगा, मगर उसे अपर लेयर में नहीं रखना है, उसे डाउन लेयर में बिल्कुल यहाँ पे लेके आना है। सबसे पहले मैं इसे डाउन लेयर में लेके आ जाता हूँ। डाउन लेयर में लेके आ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा डाउन लेयर में आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डाउन लेयर में आ गया है। तो हम ये एल्गोरिदम लगाएंगे, तो ये एक इसका कॉर्नर पीस सॉल्व होगा। तो एल्गोरिदम कौन सा है, हमारा एल्गोरिदम क्या कहता है, हमारा राइट साइड को एक बार नीचे करने के लिए, राइट को नीचे किए, देखिए राइट नीचे किए हैं, फिर बोलता है डी को पीछे करने के लिए, हम डी को पीछे करेंगे, फिर बोलता है राइट प्लेयर को ऊपर करने के,
हमारी ये राइट लेयर है, इसे मैं ऊपर करूँगा। फिर क्या बोल रहा है, डी को एक बार आगे बढ़ा दो। डी को एक बार आगे बढ़ा दिए, मगर ये सॉल्व नहीं हुआ, फिर से लगाएंगे। क्या कहता है, राइट को नीचे, डी को पीछे, आर को ऊपर, फिर डी को आगे। फिर क्या कहता है, नहीं हुआ सॉल्व, आर को नीचे, डी को पीछे, आर को ऊपर, डी को आगे। आप देख सकते हैं मेरा ये कॉर्नर पीस सॉल्व हो गया है। तो अब हम इसे अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। अब यहाँ पे देखना है कौन सा कलर लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो है, रेड है और ब्लू है। बिल्कुल इसी तरह का हम लोगों के पास कॉर्नर पीस मिलेगा, येलो रेड और ब्लू का। आपको खोजना है कि वो कॉर्नर पीस कहाँ है। वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ यहाँ डाउन लेड में भी मिल सकता है, लेकिन आपको वो मिडिल पीस में कभी नहीं मिलेगा। तो चलिए खोजते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा रेड, ब्लू और येलो यहाँ पे है, ये डाउन लेयर में ही है पहले से चूंकि। तो हम इसे सिर्फ सीधा वहाँ ले जाएंगे जहाँ इसे फिट करना है, उस कॉर्नर के नीचे। उस कॉर्नर के नीचे ले जाएंगे तभी वो वहाँ पे सेट हो पाएगा। तो मैं इसे अपने कॉर्नर के पास लेके आ गया। आप देख सकते हैं ये अपने कॉर्नर के पास आ चुका है। तो चलिए मैं ये एल्गोरिदम लगाता हूँ। हमारा एल्गोरिदम क्या कहता है, आर को नीचे, डी को पीछे, आर को ऊपर, डी को आगे। आप देख सकते हैं ये भी कॉर्नर फिक्स गया। तो फिर हम इसे अपने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले जाएंगे। जैसे कि मैं इसे फिर से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चला गया। ये देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। अब यहाँ कौन सा कलर लगेगा, येलो ब्लू एंड ऑरेंज, येलो ब्लू एंड ऑरेंज। ये तो अपने ये फिर अपने ही स्थान पर है, मतलब कि ये वहीं पर है जहाँ पर इसे रहना चाहिए, लगना है। तो आप देख सकते हैं, नहीं सॉरी सॉरी वो नहीं था, ये यहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा येलो, ऑरेंज और ब्लू जो कि यहाँ पे लगेगा। तो सिंपल सा हम इसे उस कॉर्नर के नीचे लेके आएंगे जहाँ इसे सेट करना है। मैं इसे अपने कॉर्नर के नीचे लेके आ गया हूँ। तो ये एल्गोरिथम लगाऊंगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। क्या कहता है, आर को नीचे, डी को पीछे, आर को ऊपर, फिर क्या कहता है, डी को आगे, हो गया। अब फिर मैं इसे अपने लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाऊँगा। लेफ्ट हैंड साइड पर फिर ले गया। अब सिर्फ एक कॉर्नर बचा हुआ, वो कौन सा कलर का होगा, येल्लो ऑरेंज एंड ग्रीन। वो हमको कहाँ पे खोजना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे है वो पीस, कौन सा है, येलो ऑरेंज एंड ग्रीन। यहाँ कौन सा है, येलो ग्रीन एंड ऑरेंज। सिंपल सा मैं सबसे पहले इसे उस कॉर्नर पे ले जाऊँगा और फिर लगाऊँगा। याद रखना, जब तक ये कॉर्नर आपका सॉल्व नहीं होगा तब तक आपको सिर्फ यही एल्गोरिथम लगाना है, आर को नीचे, डी को पीछे, आर को ऊपर, डी को आगे। फिर क्या करना, आर को नीचे, डी को पीछे, आर को ऊपर, डी को आगे। फिर लगाना, आर को नीचे, डी को पीछे, आर को ऊपर, डी को आगे। आप देख सकते हैं मेरा फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे ये वीडियो पसंद नहीं आया है, आप फिर से एक बार वीडियो बनाइए, या फिर से एक बार समझा दीजिए तो मैं फिर से एक बार समझाने के लिए सक्षम हो जाएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।